मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। पेड़ों की कटाई का विरोध भी हो रहा है और धारा 144 भी लागू है। ऐसे में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड आरे कॉलोनी के जंगलों में पीछे के रास्ते से करीब 9 किलोमीटर पैदल चलकर अंदर पहुंच गए और नारेबाजी भी शुरू कर दी है। जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मुंबई को बेच दिया है, जबकि कोर्ट का आदेश है और धारा 144 भी लागू है। ऐसे में जितेंद्र आव्हाड आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध किया, नारेबाजी भी की। पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड को ताबे में ले लिया है। देखिए किस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद धारा 144 लागू है, मगर किस तरह से जितेंद्र आव्हाड वहां पहुंचकर नारेबाजी की। पण मी जंगल पालते करणार आहे, हे सगळे आत्मनली झाडं साफ करण्यात आली आहे। चला आता आपला गनिबी कावा। शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैन्याला आदेश दिला होता की कुठल्याही शेतकऱ्याच्या शेतीला जराही इजा पोचता कामा नये। आणि हे आरचं जंगल, मुंबईला प्राणवायू देणारं जंगल, त्याची कत्तल करताय। फक्त आणि फक्त 20-15 दिवसांनी निवडणूक आहे। प्रत्येक झाड तुमचा एक कामदाराला गळफास बनवते। एक कामदार तुम्हाला मस्करी वाटते काय? गोरगरीब आदिवासी पोरांना रात्री 3:30 बेदम मारलं, अख्ख्या एरियाचे लाईट काढून टाकले, हे तर हिटलरच्या बापानेही केलं नव्हतं, ते तुम्ही करताय। आणि कोणाला आतमध्ये येऊ देत नाही। हे सरकार निर्दयी आहे, हे सरकार फॅसिझम हिटलरच्या पायावर पाय ठेवून चालतंय। विकासाच्या नावाखाली इथला आदिवासी, इथला शेतकरी, तुकोबार आहे काय म्हणायचे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, जाऊन डोंगरावरती पक्ष्यांशी बोलायचे, प्राण्यांशी बोलायचे, आणि तेव्हा त्यांनी सगळं लिहून ठेवलंय। आज महाराष्ट्राचा एवढा जुना संबंध वाटोळ करून टाकले या सरकारने। विकासाच्या नावाखाली विकली तुमची माझी प्रेमाची मुंबई, विकून टाकली। मेट्रो के कार सेट के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अब तक कई विरोध प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, तो वहीं विरोध कर रहे जितेंद्र आव्हाड को भी पुलिस ने ताबे में ले लिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।